खेल कबड्डी को बढ़ावा देने और क्षेत्र के नागरिक के ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय विधायक एवं मंत्री हर्ष यादव द्वारा आयोजित मंत्री कप कबड्डी प्रतियोगिता रोमांच जोश एवं धूमधड़ाके के साथ संपन्न हुई। देवरी नगर के नेहरू कॉलेज ग्राउंड में लेकर 6 दिवसों से चल रही प्रतियोगिता के 6वें दिन आयोजित सेमीफाइनल सुपर 3 एवं फाइनल मुकाबलों में संघर्षपूर्ण मुकाबलों में क्षेत्रीय प्रतिभाओं ने शानदार खेल प्रदर्शन कर हजारों दर्शकों की तालियां बटोरी। 6वें दिन सेमीफाइनल मुकाबले पुरुष वर्ग में केसली ब्लॉक की डोमा जेतपुर डोमा टीम का मुकाबला तुमरी टीम के साथ हुआ, जिसमें डोमा जेतपुर में 65 अंक प्राप्त कर तुमरी टीम को 54 अंकों के लंबे अंतर से हराया। वहीं दूसरे मुकाबले देवरी ब्लॉक की विजौरा टीम ने तकनी और समन्वय का शानदार प्रदर्शन करते प्रतिद्वंदी कासखेड़ा टीम को मुकाबले में प्राप्त कर करारी की शिकस्त दी। बालिका वर्ग के सेमीफाइनल मुकाबले में केसली ब्लॉक के सहजपुर की टीम का मुकाबला चौका से हुआ, जिसमें चौका टीम ने अंक प्राप्त कर सहजपुर की टीम ने पराजित किया। बालिका वर्ग में देवरी ब्लॉक के नेहरू कॉलेज देवरी की टीम ने प्रतिद्वंदी गौझामर को मुकाबले में फाइनल में प्रवेश किया। सुपर 3 के लिए ये हुए मुकाबलों में बालिका वर्ग की गौझामर टीम ने सहजपुर को संघर्षपूर्ण रोमांचक मुकाबले से 21 के मुकाबले 28 अंक प्राप्त कर प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त किया। पुरुष वर्ग ने कासखेड़ा की टीम ने धुबरी टीम को अंतर में पराजित किया। तुमरी की टीम सिर्फ 6 अंक प्राप्त कर सकी। प्रतियोगिता फाइनल मैचों में पुरुष वर्ग में हुए रोचक एवं संघर्षपूर्ण मुकाबले में जेतपुर डोमा की टीम ने 21 अंक प्राप्त कर मिजोरा टीम को 4 अंकों से पराजित किया। अंतिम मिनट तक हुए कश्मकशपूर्ण मुकाबले में मिजोरा की टीम ने 17 अंक प्राप्त कर सभी। बालिका वर्ग में देवी नेहरू कॉलेज की टीम ने प्रतिद्वंदी चौका की टीम को 12 मुकाबले 26 अंक प्राप्त कर विजेता का ताज अपने नाम किया। मैचों के उपरांत आयोजित पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री हर्ष यादव ने पुरस्कार वर्ग की विजेता डोमा जोधपुर 21,000 रुपये नगद एवं ट्रॉफी प्रदान की। उपजेता विजौरा टीम को 21,000 रुपये नगद एवं ट्रॉफी प्रदान की गई। पुरुष वर्ग में तृतीय स्थान पर रही कासखेड़ा टीम को 11,000 रुपये की एवं ट्रॉफी एवं चतुर्थ स्थान प्राप्त करने वाली तुमरी टीम को 51,100 रुपये की राशि प्रदान की गई। पालिका वर्ग की विजेता नेहरू कॉलेज टीम को मुख्य अतिथि मंत्री हर्ष यादव डॉक्टर मीरा यादव रंजना यादव सहित अतिथियों द्वारा 21,000 रुपये एवं मोनमेंट प्रदान किया गया। उपजेता चौका टीम को 21,000 रुपये एवं तृतीय गौझामर को 11,000 रुपये ट्रॉफी एवं चतुर्थ स्थान पर रही साजपुर टीम को सद्भाव पुरस्कार 51,100 रुपये प्रदान किए गए। मैच में आकर्षण खेल का प्रदर्शन करने वाले डोमा जेतपुर खिलाड़ी जय कुमार पटेल को मंत्री हर्ष यादव द्वारा 11,000 रुपये नगद प्रदान किए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महामंत्रित अतिथि द्वारा प्रतियोगिता में शामिल टीमों को प्रमाण पत्र मेडल प्रदान किए गए। कार्यक्रम में निर्णायक श्रीमती प्रबंधक श्रीमती सहयोगिता को पुरस्कार प्रदान किए गए। कार्यक्रम के उपरांत देवरी नगर की मुख्य सड़कों को होकर आदिवासी एवं डीजे के वजह के साथ विजय खिलाड़ियों को रथ में बैठा के साथ जुलूस निकाला गया। कार्यक्रम में संचालक संयोजक संजय वजपुरिया द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि मंत्री यादव द्वारा पारंपरिक खेलों में प्रशासन के लिए टीम रेस चला पिट्टू कैरम वॉलीबॉल सहित अन्य खेलों का आयोजन किए जाने की घोषणा की। उन्होंने क्षेत्र में खेलों के प्रति स्पर्धी माहौल तैयार करने प्रतिभाओं को दिखाने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर 10 लाख लागत के खेल प्रारंभ की। लंबे समय से मेरे मन में थी कि ग्रामीण क्षेत्र की वो खेल प्रतिभाएं जिनको कहीं ना कहीं मौका नहीं मिल पाता था, उनको हमने यहाँ एक मंच पर लाने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से ये भारतीय संस्कृति भारतीय कबड्डी लंबे समय से खेली हुई कबड्डी मैच होता है, ऐसे खेल प्रतिभाओं को हम मंच देने का काम करने वाले हैं। आने वाले समय में हमारे यहाँ जैसे शतरंज बहुत बड़ा खेल होता था, शतरंज के साथ साथ बैडमिंटन हुआ, कैरम हुआ, वॉलीबॉल, इस तरह के आयोजन आगे भी होंगे, इस तरह के प्रयास हमारे द्वारा किए जाने। मैंने अपनी तरफ से जो राशि दी है वो अलग बात है। मैंने अभी घोषणा की है कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र की अच्छी प्रतिभाएं हैं, अच्छी कबड्डी के खेलने वाले लोग हैं, उनकी टीम बना के जिले स्तर पर और प्रदेश स्तर पर जो भी कार्यक्रम होंगे उसमें उनको मौका देने के लिए हम प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से उनको एक बड़ा मंच मिलेगा, प्रदेश स्तर की टीम में भी चयनित होने का मौका मिलेगा। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के साथ साथ देवरी का भी नाम होगा।